अक्सर हम अपने आसपास अलग अलग रंगों के लोग को देखते हैं, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? लोग का मानना है कि भगवान का देन है, लेकिन क्या आप इसका साइंटिफिक रीजन को जानते हैं? अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, वेलकम टू डू यू नो। दरअसल हमारे स्किन के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इंसान काला या गोरा होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर कम मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है वह गोरा होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है वह काला होता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है वैसे ही मेलानिन पिगमेंट का बनना भी बढ़ जाता है। और इन्हीं सब कारणों से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी समय हम बात करें अमेरिका की, तो उस एरिया में कम धूप पड़ता है यानी कम गर्मी पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के लोग गोरे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम बनता है। अगर हम अपने तिल की बात करें तो वह भी मेलानिन पिगमेंट के कारण ही बनता है। जब सब बहुत सारा मेलानिन पिगमेंट एक जगह आकर जमा हो जाता है तो वह एक काले धब्बे का निर्माण करता है, वही काला धब्बा को हम तिल कहते हैं। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाला टॉपिक है कि सुबह और शाम में सूर्य लाल क्यों दिखता है।